हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने डेटा की वीडियो पोस्ट किया था कि यहाँ पे अगर नेट लॉन्ग देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। FII का ये विभिन्न 52% लॉन्ग हो गए हैं, नेट टू नेट 51% है। तो क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है? लेने वाला है तो मार्केट कहाँ आ जाएगा? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऑप्शन चेन के बारे में सीखेंगे बेसिक से, कि बेसिक्स क्या होता है उसमें आपको। उसके बाद इसी वीडियो में एडवांस तक हम जाएंगे कि आप एटलीस्ट एक ही वीडियो में, यानी आपको 20 मिनट्स में कैसे आप ऑप्शन चेन्स को देखना समझ जाएंगे, जिससे आप लाइव मार्केट में खुद की आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। एटलीस्ट आपको 50-60% का यहाँ पे क्या है पता चल जाएगा ऑप्शन चेन का। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों यहाँ पर हम अपडेट करते हैं लाइव मार्केट में भी। देखिए, डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ा प्लेयर जो होता है वो क्या करता है, डेटा बनाता है, ना कि वो आपको प्राइज एक्शन बनाता है ना। प्राइज एक्शन बनाता है यानी डेटा के थ्रू वो क्या करता है, प्राइज एक्शन को बनाता है। वो प्राइज एक्शन नहीं देखता है। अब डेटा वो कहाँ पर, वो जो बाई करेगा ये सेल करेगा वो यहाँ पे डेटा में दिखेगा, ना कि प्राइज एक्शन में। तो आप प्राइज एक्शन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फोकस मैक्सिमम डेटा के ऊपर करिए, जहाँ से आपको सब कुछ क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशन कर रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ NSE के ऑप्शन चेन पे। देखिए, NSE के ऑप्शन चेन में यहाँ पे जो 4 जुलाई का निफ्टी का ऑप्शन चेन है, इसको मैंने ओपन किया है। इसमें चार पार्ट हैं, आपको पता होना चाहिए चार पार्ट। चार पार्ट क्या है कि ये कॉल साइड का आपको क्या होता है ITM, ये OTM ITM है, और ये कॉल साइड का OTM है। सेम पुट साइड में देखें तो यहाँ पुट साइड का ये OTM है, OTM होता है आउट ऑफ द मनी, और ये पुट साइड का क्या होता है ITM है, यानी इन द मनी। तो आप जो भी, अगर आपका जहाँ पे LTP चल रहा है, अंडरलाइंग प्राइस चल रहा है, उससे ऊपर साइड अगर पुट साइड देखें तो वो ITM हो गया, और उसके नीचे साइड अगर देखें कॉल साइड तो वो ITM हो गया, और उसके आउटर में देखें अगर जो भी कॉल साइड का तो वो आपका OTM हो गया कॉल के लिए, और यहाँ पे OTM हो गया पुट के। यानी आउट ऑफ द मनी में ओनली यहाँ पे सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इन द मनी में टाइम वैल्यू प्लस IV इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। IC मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू, IV मान लीजिए, यानी इसके प्रीमियम में टाइम वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों होता है, इसलिए इसके प्रीमियम क्या होता है ज़्यादा होता है। जबकि जो OTM होता है वहाँ पे ओनली टाइम वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू, इसलिए जब भी एक्सपायरी होता है तो OTM के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका टाइम पूरा है, पूरा एक्सपायरेशन हो जाता है। ये मैक्सिमम लोग जानते होंगे। इसके बारे में अगर आप लोग और इच्छुक होंगे तो मैं डिटेल में वीडियो पोस्ट करूँगा। तो आज का मेन हमारा पर्पज समझाने का मतलब है, चलिए कि हमने ये चीज़ें देख ली। अब मैं आपको अपने पॉइंट पे लेके आता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट, यानी ये कॉलम ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पे आज पोजीशन पहले से इस एक्सपायरी में, यानी 4 जुलाई का जब भी ये एक्सपायरी ओपन होगा, उस दिन से जितने ओपन इंटरेस्ट बनते आ रहे हैं, क्लोज होते आ रहे हैं, उसके बाद जो इसके बाद नेट बचा है वो इस स्ट्राइक प्राइस के क्या है, ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर 24,300 का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ वो आज का बना है, वो 74,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कि इसमें ऐड है। इसके बाद इसका वॉल्यूम है, यानी जो भी बनाने में IV इसका ही, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या है, ये हर एक टॉपिक अलग अलग है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसको कमेंट में अगर करेंगे तो मैं हर एक पॉइंट पे हर एक का अलग वीडियो में पोस्ट करूंगा एक सीरीज बना के। तो अगर ये आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक्स करते हैं, तो 100% एक लर्निंग सेक्शन हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे आज प्राइस देखें, प्राइस में क्या चेंजमेंट आया, बिड क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी, बिड प्राइस और आस्क क्वांटिटी आस्क प्राइस, ये इसमें सारे वैल्यू हैं। तो इसके भी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको कि आपको कैसे ऑप्शन चेन देखना। तो ये यहाँ से अगर आप देखें लगभग 300-400 के बाद ये क्या आता है, फार OTM हो जाता है, यानी ये क्या है, बहुत दूर का OTM हो जाता है। अब इस बहुत दूर के OTM में 25,000 के पास मैं आता हूं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पे पोजीशन बना हुआ है इस एक्सपायरी में। 25,000 के ऊपर 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश जो फ्राइडे के दिन क्रिएट हुआ है, इसके प्राइस आप देखिए 2.25 है, यानी अभी जो 2.25 उसमें चेंजमेंट 0.10 का क्या है, इंक्रीमेंट आया, प्लस आया है। जबकि यहां से लगभग मार्केट से वो 25,000 पॉइंट के लगभग दूर पे है, 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा है ना। तो 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा वो प्रीमियम वहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, 10 पॉइंट्स भी बढ़ा तो वहाँ पे प्रीमियम बढ़ा। अब कैसे बढ़ा,
एग्जैक्ट 1000 पॉइंट दूर। बाकी और आप अगर उसके आईटीएम और एटीएम के पास देखें तो ये प्रीमियम सारा यहाँ पे क्या हो गला हुआ है, प्रीमियम क्या हुआ यहाँ पे डीका हुआ है, प्रीमियम चेंज में डीके हुई है, जबकि 25,000 पे प्रीमियम बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे कोई एक बड़ा प्लेयर बाइंग करेगा तो वो क्या करेगा, फिर कोई एक प्लेयर बाई करेगा तो वो क्या सोचेगा कि ये तो भाई इसके जीरो हैं 2.25 रुपीज, तो यहाँ कौन एक्टिव है और वो क्या कर रहा है, सबसे बड़ा ये चीज़ आपको माइंड में सोचना है। 1,72,000 कहाँ पे पोजीशन बना हुआ है, अगर पूरे ऑप्शन चेंज में देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक नंबर है यहाँ पे सारे जगह से। दैट मीन्स वहाँ पे बड़ा प्लेयर कोई बिग प्लेयर क्या कर रहा है, बाई कर रहा है। क्यों बाई कर रहा है, बाई क्यों कर रहा है आखिर, उसको पता है, हमको भी आपको पता है अगर ऑप्शन चेंज आप देखते हैं कि ये जीरो होना है, फोर्थ जो भी 4th जुलाई आएगी क्या ये 25,000 कर सकता है टच, वो इन द मनी हो सकता है जिससे कि प्रीमियम इसका बढ़ जाए, तो इसके चांसेस कितना है, 95% चांसेस है कि नहीं टच करे, 5% चांसेस हो सकता है लेकिन 95% चांसेस है कि वो टच नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा बिग प्लेयर यहाँ पे, वो इसको बाई करेगा। क्यों बाई करेगा, उसको इतना 0.25 मल्टीप्लाई बाई 172698 मल्टीप्लाई बाई 25, इतना प्राइस इसका जो है वो इतना इक्वल टू कॉस्ट इसको कहिए आरएस को क्या कर देगा, दे देगा मार्केट को, यानी वो इतना जीरो समझेगा। अब वो जीरो करेगा तो उससे उसके फंड्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे, यानी जहां पर उसको वन लॉट राइट करने के लिए 1.2 लाख चाहिए था, वो सीधा आपको 70 to 60,000 की ज़रूरत है। अब उससे क्या करेगा, वो यहाँ पे राइटिंग करेगा, जो आप देखें 18 रुपीज है, यानी सबसे ज़्यादा एटीएम के पास, यहाँ पे राइटिंग करेगा, यहाँ पे राइटिंग करेगा, यहाँ पे राइटिंग करेगा, यहाँ पे राइटिंग करेगा, यानी वो क्या करेगा एटीएम के पास यहाँ पे राइटिंग करेगा, जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम 66 रुपीज़ 83 रुपीज़ मिल रहा है। अब उस इस स्ट्राइक प्राइस से उतने पैसे से डबल क्वांटिटी राइट कर देगा और वो प्रीमियम को क्या करेगा यहाँ पे खा जाएगा पूरा। तो ये इनकी स्ट्रेटजी होती है। अब ये पुट साइड देखें कि ऐसा कहीं हुआ है, कहीं ऐसा हुआ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशन बना है तो नहीं, आपको कहीं नहीं दिखेगा फार ओटीएम में, कहीं पे भी ऐसा पोजीशन नहीं दिखेगा जो ये 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बना हुआ है। तो इससे मार्केट का आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि बिग प्लेयर कहाँ पे बैठा हुआ है। एक एक छोटा सा मैं आपको सिंपल एक आपको मार्केट में स्टडी के लिए मैं ये एक पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब क्या ये सेम चीज़ें इसके मंथली में भी हो रहा है, आपको डबल कन्फर्म करना है। अगर मंथली में भी हो रहा है जो 25 जुलाई का है तो 100% वहाँ पे क्या है बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है। अब मैं आपको 25,000 के पास लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखिए 9,000 कॉन्टैक्ट्स है, यानी कोई वो बड़ा प्लेयर जो है एक्चुअल में उसी सिर्फ एक्सपायरी में बैठा हुआ है। तो ये आपको ऑप्शन चेन खोल के देखने पड़ेंगे क्यों कहाँ पे हो रहा है। अब इसका डेटा आपको कहाँ मिलेगा, तो ओवरऑल ये सब कुछ हम अपने सिस्टम में ऑटोमेशन करते हैं, कैसे पता करना है देखिए। 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के पास जो टोटल सेल क्वांटिटी है इतनी है, टोटल बाई क्वांटिटी इतनी है, यानी आपको लगभग 17 लाख में यहाँ पे 13,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो फ्रेश इस एक्सपायरी की बाइंग है, इस एक्सपायरी की समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी, यानी उन्होंने क्या किया है बड़ा प्लेयर ने एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया है और वो क्या करेंगे उतना उससे ज़्यादा क्या करेंगे एटीएम के पास सेल करेंगे, एटीएम के पास, जबकि यहाँ पे सेलिंग भी है तो वो एटीएम के पास क्या करेंगे पोजीशन को राइट कर देंगे, जिससे कि उनका प्रीमियम ये कहिए मार्जिन रिलीज हो जाएगा और क्या करेंगे वो मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये सब कुछ आप अगर देखें 23,000 के पास एक्टिविटी चल रही है सबसे ज़्यादा हुआ ही अभी इस एक्सपायरी में 23,000 के पास, यानी यहाँ पे भी जो कोई प्लेयर है वो राइटिंग कर रहा है जो कम प्रीमियम में, लेकिन सेम आप एक्टिविटी हैं 25,000 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा है 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ प्रीमियम बिल्कुल ही नहीं है, प्रीमियम 2.3 रुपीज़ 2.9 का वीवैप है, यानी कोई बड़ा प्लेयर कहाँ पे एक्टिव होगा वो क्या कर रहा है ऐसे आप मार्केट में चेक कर सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में नीचे में आपको 50,300 के पास सिर्फ और सिर्फ 12,000 पोजीशन आया 26, ऊपर साइड में देखें 53,500 के ऊपर 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके प्रीमियम भी क्या है 83 रुपीज़ है, ये यहाँ पे राइटिंग कर रहा है। इसके आप दूर में जाएंगे
54,000-55,000 तो वहां पे वो बाई कर रहा होगा। यानी ओवरऑल ये सब कुछ मैं आपको दिखा भी देता हूं नीचे चल के यहां कि कहां पे इनकी पोजीशन सबसे ज्यादा पोजीशन बना। तो आप देखें यहां पे 1,23,000 में थे, 1,20,000 जो 54,500 में 52,000 कॉन्टैक्ट प्रेस बना हुआ है, 67,000 कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं यहां पे। इसके प्रीमियम क्या है अभी मात्र 13 रुपीज। अब ये क्यों इतना बाई करेगा, इतना बाई क्यों करेगा, क्योंकि उसको मार्जिन रिलीज करना है, अपना फंड वहां पे क्या करना है मिनिमाइज करना है, राइटिंग के लिए कम करना है जिससे कि वो एक अच्छी राइटिंग कर सके। तो ये सब कुछ ऑटोमेशन आप यहां से कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी कर लेता हूं जिससे आपको और अच्छे पोजीशंस पता चल जाएंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अभी मैंने यहां पे ऑप्शन चेन ओपन किया, यहां पे निफ्टी का सेम मैं बैंक निफ्टी का ओपन करता हूं। तो दोस्तों ये सारी चीज आप अगर ऑटोमेशन करेंगे तब जाके होगा। और एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया ऑटोमेशन, ये सब कुछ हम अपने वर्कशॉप में बताते हैं कैसे करना है, कैसे ऑटोमेशन करना है, ये सब डेटा के को कैसे स्टडी करना है, कैसे रीड करना है, कैसे ऑटोमेशन करना है, ये सब कुछ बताया जाता है। अब यहाँ पे देखें 67,000 55,000 कॉन्टैक्ट्स के पास 13 रुपीज प्रीमियम, उसने 10 रुपीज यहाँ पे वो दे दिया, उसने मार्केट को दे दिया, लेकिन उससे ज्यादा उसने कमा लिया 70,000। यहाँ पे सिर्फ 9 रुपीज प्रीमियम है, यानी आप अगर 9 रुपीज देखें तो 150 रुपीज एक लॉट के लिए उसने जीरो कर दिया, लेकिन उसने क्या किया एक अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे राइटिंग की जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम उसने क्या किया यहाँ पे खा गया। तो ये बड़ा प्लेयर वहाँ पे ऐसा करते हैं, ये आपको वहाँ दिखेगा जब आप ऑटोमेशन करेंगे, तो जिससे आप सब कुछ लर्न कर सकते हैं। ओवरऑल डेटा के लिए हमने वीडियो पोस्ट कर रखा है कि कैसे डेटा को चेक करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का डेटा यहाँ पे क्या इंडिकेशन कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा न्यूट्रल पॉइंट क्या है, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ये हमने अभी जस्ट कल वीडियो पोस्ट किया है। तो आप वहाँ पे डिटेल में जाके चेक सकते हैं कि FIA की नेट पोजिशन क्या है, इनकी एक्टिविटी क्या चल रही है, प्राइस एक्शन में हमारा कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 का, ये आप देखें कि यहाँ बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सब कुछ हमने डिटेल में बात किया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रीफ करता हूँ, अभी आपको देखें 24,084 का ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा तभी तो एक बार आपको यहाँ तक जरूर आपको क्या करेगा, जितने भी लोगों ने पुट बाई किया है यानी हमारे छोटे ट्रेडर ने जो पुट भी आएगा उनका स्टॉप लॉस हिट करने आएगा यहाँ पे, और आपको फिर बुलिश करके निकल के फिर सीधा टारगेट 23,860 का होने वाला है, ये मेरे हिसाब से और डेटा के हिसाब से। दोस्तों हो सकता है कि मैं 100% गलत होता हूँ, अपनी खुद एनालिसिस करें, लेकिन ये जहाँ तक लग रहा है। चलिए बैंक निफ्टी अब सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और इसके जो एक्सटेंशन हो गए 52,000 अगर ब्रेक करता है तो एक 51,600 का हर्डल है, फिर सीधा 50,900 का लेवल दिखाई देगा बैंक निफ्टी में। तो अभी इसका रेजिस्टेंस ऊपर में थोड़ा सा 52,700 के पास है, मिड कैप निफ्टी का रेजिस्टेंस 23,500, सपोर्ट नीचे में 23,300 का, फिन निफ्टी का माफ करिएगा, और मिड कैप निफ्टी अपने बिल्कुल ही सेंटर में है, इससे ऊपर 12,370 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट 12,150 का है। FII कैश में उन्होंने क्या किया कि एक अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं, DI भी कर रहे हैं, सेक्टर का रोटेशन हो रहा है। तो ये ऑप्शन चेन के हिसाब से आप सब कुछ यहाँ पे समझ सकते हैं। अब थोड़ा मैं डिटेल में आपको अगर बता दूँ कि क्या पोजीशन हो रहा है, तो ये सब कुछ डिटेल में है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 22,500 के पुट में हो रहा है, इसके बाद 23,000 के पुट में, और अब अगर कॉल के देखें तो 24,000 के कॉल में, सॉरी राइटर 24,000 के पुट में राइटिंग की एक्टिविटी अभी हो रही है, लेकिन कॉल की अगर राइटिंग की एक्टिविटी देखें आप तो मैक्सिमम एक्टिविटी आपको 25,000 के बाद 24,200-24,500 इस एक्ट में हो रहा है, जहां पे इस एक्सपायरी के लिए 25,000 के पास मार्जिन लिया जा रहा है। तो मार्जिन रूल कैसे निकालते हैं ये सब कुछ बताया जाता है, चैनल पे भी बताया हमने बहुत बार, इसके बाद अब पूरा डिटेल में दोस्तों वर्कशॉप में बताया जाता है। बाकी राइटर सबसे ज़्यादा कहाँ है, एक्टिविटी 24,042 का यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप देखें तो जो पुट में राइटर हैं वो यहाँ पे ओनली 24,000 के पुट स्लाइटली बैठा हुआ है, कॉल में ज़्यादा है 24,500 के पास, और बायर हैं वो नीचे में अभी आपको शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पोजिशन
25,500 के ऊपर जो बायर है सबसे ज्यादा, वो अपनी मार्जिन के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये डेटा आपको इंडिकेशन कर देगा क्रिस्टल क्लियर मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है ओवरऑल, कि आपने एक अच्छा यहाँ पे लर्न किया होगा दोस्तों, अपने सिस्टम में आप ऐड भी कर सकते हैं जिससे एक अच्छी खासी मार्केट की जानकारी आपको हो जाएगी, नहीं आपको एक मार्केट का डायरेक्शन तो पता चल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन का जरूर करिए दोस्तों, लाइक करिए, थंबनेल जरूर यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन चेन का सीक्रेट क्या है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार पर बनाएगी, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का पोजीशन कभी मत कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उनके ही सलाह पे बाई सेल करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उनकी कीमती समय देने के लिए।